जीरो माइल चौक को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर एक बार फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यातायात को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने हेतु उच्च पदाधिकारी के आदेश पर नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से मिलकर पिछले दो दिनों से जीरो माइल गोलम्बर के चारों दिशाओं में सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने में जुटी है। अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम के द्वारा पहले से ही दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद भी तय समय पर दुकान नहीं हटाने पर नगर निगम की टीम ने सभी दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट कर दिया है। मौके पर मौजूद नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि हम लोगों का यह अभियान 28 नवंबर से ही चल रहा है और आगे भी अनवरत जारी रहेगा। जिन लोगों की दुकानें हटाई गई है, अगर वह लोग फिर से दोबारा दुकान वहां पर लगाते हैं तो उन सभी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ट्रैफिक कंट्रोल और सड़क को जाम मुक्त करने के लिए सड़क के विभिन्न इलाकों में नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सड़क को अतिक्रमित किए गए दुकानदारों को पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद उनकी दुकानों पर वहां से उखाड़ फेंका जाता है। कितने दिनों से चला रहे अभियान? अच्छा, इसमें कुछ लोगों को छोड़ा भी जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा तो कोई छोड़ा नहीं है, मेरी समझ में कहीं कोई छोड़ा नहीं जा रहा, हम देख ही रहे सामने है। राजनीतिक हस्तकदारों को छोड़ा जा रहा है, ऐसे में आरोप है लोगों का। हमको तो पता भी नहीं कौन राजनीतिक है कौन नहीं है, हमको तो पता भी नहीं है। कौन कौन पर बात करवाता है? अतिक्रमण तो हटाया जा रहा है, लेकिन बीच में जो ये पोल है आप देख रहे हैं, बिजली का खंभा, ये भी तो अतिक्रमण उसका काम हो जाएगी। ये किसी को छोड़ा नहीं ना जा रहा है, सारे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। अतिक्रमण अगर दोबारा करता है लोग दुकानदार, तो इसके लिए थाना मतलब लोगों का आरोप है कि आप रसूखदारों को छोड़ रहे हैं, अंडे को तोड़ रहे हैं। टूटा आता है लगातार, सब टूटा है। आरोप को कैसा मारा जाए? खारिज कर रहे हैं या कोई आरोप नहीं? हमको ऐसा कोई क्लेम ही नहीं, हम क्या बताए? आज ही भर चलेगा और आगे भी है। अब क्या जैसे उसके बाद डीएम साहब।